हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिनियर अलजेब्रा। ओके, जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है जुलाई 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लिनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9th लिनियर अलजेब्रा का ही ये क्वेश्चन होने वाला है। पिछले जो लेक्चर 8 है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर के, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो तो हमारा एक ग्रुप भी है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी मन करता है ऐसे कि हाँ चलो पसंद करते हैं, मटेरियल अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लेट वी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जो ये वी हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है, ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है। एंड इसने क्या कहा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की यहाँ पे बात हुई है, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है उसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, अगर उसके पास जो बेसिस है अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को कंटेन करती है तो हम क्या बोल देते हैं, वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। समझ में आया, वी के पास जो भी बेसिस है अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को कंटेन करती है देन हम क्या बोल देते हैं, वी इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड क्या दे रखी है इसने, सेट ऑफ रियल नंबर एंड टी फ्रॉम वी टू वी बी ए लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए, जो लीनियर ऑपरेटर आपके पास होता है वहाँ पे हमारे पास ये वी टू वी होता है, बट अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं देन हमारे पास वेक्टर्स जो होते हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, बट लीनियर ऑपरेटर में ये सेम रहते हैं, ठीक है। टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है एंड वी हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वैक्टर स्पेस है, ठीक है। दो चीज़ें हमें पता चल गई, सपोज दैट द कर्नल ऑफ टी इक्वल्स टू इमेज ऑफ टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कर्नल ऑफ टी है एंड इमेज ऑफ टी है ये दोनों क्या है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। देखिए सबसे पहले तो जो वी है, वी क्या है हमारे पास, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, बट हमें नहीं पता इसकी डायमेंशन कितनी है, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, एंड नॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद और हाँ, फील्ड यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर एंड टी हमारे पास क्या है, इज ए लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। एंड सपोज दैट द कर्नल ऑफ टी, उसके बाद देखिए क्या कहा इसने, द कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू इमेज ऑफ टी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि कर्नल ऑफ टी क्या होता है एंड इमेज ऑफ टी क्या होता है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो कर्नल ऑफ टी होता है इसको हम नल स्पेस भी बोलते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। एंड जो इमेज ऑफ टी आपके पास होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ टी भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यह जो कर्नल ऑफ टी है ये क्या होता है, ठीक है। कर्नल ऑफ टी क्या होता है, देखिए जब हम मैप करते हैं, ठीक है, तो जो मैपिंग है वो कहाँ पे, यानी कि जब हम टी ऑफ वी करें तो वो हमारी जीरो पे मैप होनी चाहिए, है ना। कर्नल ऑफ टी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे, व्हाट इज कर्नल ऑफ टी, फॉर ऑल वी इन वेक्टर स्पेस वी सच दैट इमेज ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो मैप है वो कहाँ पे, जीरो पे मैप होनी चाहिए, है ना। उसके बाद है इमेज ऑफ टी, ठीक है, इमेज ऑफ टी वही रेंज, ठीक है, फॉर ऑल टी वी सच दैट वी बिलोंग्स टू वी। तो ये है हमारे पास कर्नल ऑफ टी एंड इमेज ऑफ टी, इसने क्या कहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं,
क्या पता कर सकते हैं हम यहाँ से? अब एक चीज़ देखिए, दी डायमेंशन ऑफ वी इज़ इवन. अब हमें नहीं पता डायमेंशन क्या होगी वी की, लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि जो वी की डायमेंशन है वो फाइनाइट है. ठीक है, तो हमारे पास जब भी अगर लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक रैंक नलिटी थ्योरम होती है, उसी का हम यूज करेंगे. ठीक है, क्या थी रैंक नलिटी थ्योरम? देखिए, रैंक नलिटी थ्योरम. ठीक है, तो क्या होती है, 4A लीनियर मैप, 4A लीनियर मैप से टी वी टू डब्लू. हमें यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है वी टू वी, तो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू सॉरी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी. अब हमें पता है यहाँ पे सिंस कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू इमेज ऑफ टी. ठीक है, नाउ लेट डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू क्या मान के चले हम, लेट्स से एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन दिस इम्प्लाइज जो डायमेंशन होगी इमेज ऑफ टी की वो भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल है. ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज बाय रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी. तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, एंड x जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ वी इज इवन. ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, द ट्रेस ऑफ टी इज ज़ीरो, द ट्रेस ऑफ टी इज ज़ीरो. अब ये कैसे करेंगे, ओके अब हमें एक चीज़ दे रखी है उसी का यूज करना है हमें, है ना, सिंस कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू इमेज ऑफ टी. अब हमें पता है यहाँ पे कि जो कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन है वो क्या है, फॉर ऑल वी इन वेक्टर स्पेस वी सच दैट विच आर मैप्स ऑन जीरो एंड इमेज ऑफ टी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर ऑल टी वी सच दैट वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी. तो हम इसी का यूज करेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ से इमेज ऑफ टी से. नाउ लेट टी ऑफ वी बिलोंग्स टू इमेज ऑफ टी. ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज जो टी ऑफ वी है हमारा ये कहाँ पे चला जाएगा, कर्नल ऑफ टी में. ठीक है, देन दिस इम्प्लाइज बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज ये भी हमारा जीरो पे मैप कर जाएगा. ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर इज आइडेंटिकली जीरो. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज टी इज निलपोटेंट. ठीक है, टी इज निलपोटेंट. अब अगर यहाँ पे टी निलपोटेंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. या फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे शो कर दें कि
इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी और उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी जीरो होंगी, तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो इसका ट्रेस होने वाला है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेस आपके पास होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, और ये हम कैसे करेंगे, देखिए चलिए इसका हम वो भी प्रूफ कर लेते हैं। नाउ एक और वे है हमारे पास, अनदर वे टू शो दैट ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। कैसे शो करोगे, टू शो दैट, टू शो दैट ऑल आइगन वैल्यूज आर, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, ठीक है। एंड नाउ सपोज दैट, सपोज दैट लैम्डा बी ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो लैम्डा है हमारे पास ये एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। अगर नॉन जीरो यहाँ पे ये आइगन वैल्यू है तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें एक आइगन वेक्टर भी मिलेगा नॉन जीरो। देन दिस इम्प्लाइज देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू एन आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है, एन आइगन वैल्यू लैम्डा, सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ठीक है, जहाँ पे जो वी है ये क्या है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप एक चीज, देन वी कैन बी रिटन एज वन अपॉन लैम्डा टी ऑफ वी, एंड नाउ सिंस टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, देन बाई डेफिनेशन, देन बाई डेफिनेशन वन अपॉन लैम्डा टी वी इज इक्वल टू टी इंटू वन अपॉन लैम्डा वी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना, लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जो ये है टी इंटू वन अपॉन लैम्डा वी, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इमेज ऑफ टी में, ठीक है। और हमें पता है कि जो इमेज ऑफ टी है और कर्नल ऑफ टी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ सिंस इमेज ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, तो इसका मतलब है ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, कर्नल ऑफ टी में, यानी कि जो वी है, ये जो हमारा वी था ये कहाँ पे चला गया, कर्नल ऑफ टी में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये कर्नल ऑफ टी में है तो ये कहाँ पे मैप करेगा, जीरो पे, देन दिस इम्प्लाइज टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टी वी इज इक्वल टू जीरो। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, आप ऐसे ही लिख लीजिए सिंपल, सॉरी ये कहाँ पे मैप कर जाएगा, जीरो पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी वी इज इक्वल टू जीरो इंटू वी। तो यहाँ से तो हम क्या बोल देंगे, इसका मतलब क्या है, टी वी इज इक्वल टू जीरो वी, इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज वी इज एन आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू एंड आइगन वैल्यू जीरो, ओके। बट हम ऊपर क्या लेके चले थे, कि जो वी हमारे पास ये आइगन वेक्टर है ये नॉन जीरो आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग है, बट
इन आवर अजम्पशन वी इज एन आइगन वैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसे मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। दिस इम्प्लाइज ऑल द आइगन वैल्यूज आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, जीरो। देन दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब सारी की सारी आइगन वैल्यूज कैसी है, जीरो है। देन दिस इम्प्लाइज ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ट्रेस का तो हमें पता चल ही गया, यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज जीरो हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, इज अगर एन डायमेंशन है देन एक्स रेस टू द पावर एन हो जाएगी। ठीक है, अगर एन डायमेंशन हम मान के चलें तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बनेगी एक्स रेस टू द पावर एन हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो हम मान लेते हैं कि एक्स रेस टू द पावर आर है, वे है आर इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल गई, मिनिमल इक्वेशन पता चल गई। तो अब यहाँ पे देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल इसकी आई है वो कुछ इस टाइप से आई है एक्स रेस टू द पावर आर। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो ही रूट्स इसके बनेंगे, डिस्टिंक्ट तो यहाँ पे नहीं है। दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, फोर्थ क्या है, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या ये सही है, क्या ये सही होगा, ये तभी सही हो सकता है जब ये आपका, कब सही हो सकता है बताइए जल्दी से, इसको कैसे करें, देखिए मैंने क्या कहा कि एक्स रेज टू द पावर आर, ये हमने मान लिया मिनिमल पॉलिनोमियल है, एक्स रेज टू द पावर एन ये हमने मान लिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल होंगे ना, जिस टाइम पे ये इक्वल होंगे दोनों, तो तभी हम बोल सकते हैं ये इक्वल हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये इक्वल नहीं हुए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर केस में मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, हर केस में ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, ओके। और आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि हमारा जो टी स्केयर हमारा जीरो आया था, ठीक है, चलो आप यहीं से देख लीजिए। बस ये है कि मतलब जब ये दोनों ये होगा ना कि n इज इक्वल टू r होगा, ठीक है, जब n इज इक्वल टू r होगा तब हम मान सकते हैं कि ये इक्वल है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जो r हमारे पास होता है ये लेस देन इक्वल टू n होता है। तो जब इक्वलिटी का होगा तभी बोल सकते हैं, हो सकता है ये लेस देन ही रहे। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।